हेलो एवरीवन दिस इज मोनिका एंड आई वेलकम यू टू आवेलम चैनल मोनिका एकेडमी इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फाइव विदाउट फीट से 50 प्लस इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर इस चैप्टर को अभी तक आपने रीड नहीं किया है तो मैं ऑलरेडी ये चैप्टर अपने चैनल पर पढ़ा चुकी हूँ आपको वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फाइव के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर वन इज हु इज द ऑथर ऑफ स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट तो आपकी बुक का ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और ये आपकी बुक का भी नाम है इसके ऑथर कौन है ऑप्शन ए एच जी वेल्स ऑप्शन बी जेम्स हेरियट ऑप्शन सी जॉन किट्स ऑप्शन डी डब्ल्यू बी बटलर आई होप अभी तक आपने सभी चैप्टर्स के जो ऑथर्स हैं उनके नेम लर्न कर लिए होंगे तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए एच जी वेल्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ऑथर हैं एच जी वेल्स क्वेश्चन नंबर टू इज़ The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of ऑफ तो यहाँ पर ये एक फिल अप है यहाँ पे बात हो रही है दो लड़कों के बारे में जिन्होंने अभी अभी बिल्कुल फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स देखे एक पेयर के मतलब ताज़ा छापों के निशान देखे उन्होंने और वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर जो ये पेयर है ये किस चीज़ का पेयर है ऑप्शन ए शूज़ ऑप्शन बी बेयर फीट ऑप्शन सी टायर्स ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी बेअीट इसका मतलब है उन दोनों लड़कों ने अभी अभी किसी के बेअीट यानी कि नंगे पाओ के बिल्कुल ताजा पड़े हुए निशान देखे थे जिसको वो दोनों आश्चर्य से फॉलो कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज लिविंग हिज इम्प्रिंट्स इन तो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि कोई आदमी जो है वो नंगे पाव चल रहा है और निशान छोड़ता जा रहा है तो ये इम्प्रिंट्स कहां पर छोड़े जा रहे थे ऑप्शन ए पेरिस ऑप्शन बी लंदन ऑप्शन सी इपिंग ऑप्शन डी कैनेडा सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लंडन सो ये जो आदमी है जो नंगे पांव चल रहा है कीचड़ में और अपने निशान छोड़ता जा रहा है तो ये लंडन की बात है क्वेश्चन नंबर फोर इज वट इज द मीनिंग ऑफ बिविल डर्ट तो यहां पर आपसे बिविल डर्ट का मीनिंग पूछा जा रहा है ऑप्शन ए परप्लेक्सड इसका मतलब होता है उलझा हुआ ऑप्शन बी कंफ्यूज मतलब परेशान होना ऑप्शन सी पज़ल्ड इसका मतलब होता है हैरान परेशान होना एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दबव मतलब ए बी सी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ बिविल्डर्ड का मतलब होता है परप्लेक्सड कंफ्यूज्ड एंड पज़ल्ड तीनों का एक ही मतलब है उलझा हुआ परेशान होना हैरान होना क्वेश्चन नंबर फाइव इज हु बॉयज फॉलोइंग लड़के किसका पीछा कर रहे थे हमने ये तो पढ़ लिया है कि वो फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स का पीछा कर रहे थे लेकिन वो इम्प्रिंट्स थे किसके ऑप्शन ए अ साइंटिस्ट ऑप्शन बी अ डॉग ऑप्शन सी अ रैट ऑप्शन डी नन ऑफ द अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अ साइंटिस्ट लड़के जिन uh, इम्प्रिंट्स का पीछा कर रहे थे यानी जिस इंसान को वो फॉलो कर रहे थे वो एक साइंटिस्ट था क्वेश्चन नंबर सिक्स फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स जो कीचड़ में फुटप्रिंट्स यानी पैरों के जो छापे पड़ गए थे उन्हें कौन फॉलो कर रहा था ऑप्शन ए द लैंडलॉर्ड ऑप्शन बी टू गर्ल्स ऑप्शन सी मिस्टर एंड मिसेज हॉल ऑप्शन डी टू बॉयज यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी टू बॉयज दो लड़के थे जो कि मड में जो फुटप्रिंट्स छप गए थे उन्हें फॉलो कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सेवन इज वट डिड ही डू टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिज लैंड लॉर्ड तो यहाँ पर बात हो रही है ग्रिफिन की जो कि साइंटिस्ट है उन्होंने अपने लैंड लॉर्ड से रिवेंज यानि बदला लेने के लिए क्या किया था ऑप्शन ए बर्न हिमसेल्फ उसने अपने आप को आग लगा ली ऑप्शन बी बर्न द लैंड लॉर्ड उसने अपने लैंड लॉर्ड यानी कि मकान मालिक को आग लगा दी ऑप्शन सी बर्न दी हाउस उसने जिस घर में वो रह रहा था उस घर को आग लगा दी ऑप्शन डी ही डिडेंट डू एनी थिंग फॉर रिवेंज उसने बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं किया दी करेक्ट ऑप्शन इज सी बर्न दी हाउस ग्रिफिन ने अपने लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए उनके घर में आग लगा दी थी क्वेश्चन नंबर एट इज वट वॉज ग्रिफिन वर्किंग ऑन ग्रिफिन किस चीज पर काम कर रहा था ऑप्शन ए मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स वो नकली पैरों के निशान बनाने की कोशिश कर रहा था ऑप्शन बी मेकिंग ह्यूमन बॉडीज़ इनविजिबल किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बॉडी को गायब किया जा सकता है मतलब इनविजिबल बनाया जा सकता है इस चीज़ पे काम कर रहा था ऑप्शन सी मेकिंग अ फूल ऑफ चिल्ड्रेन वो बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब मतलब ए बी सी तीनों ही यह ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल ग्रिफिन जो है, उनको किस तरीके से यानी किया जा सकता है वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट यानी एक शानदार साइंटिस्ट था लेकिन इसके बावजूद ग्रिफिन एक कैसा पर्सन था ऑप्शन ए लॉलेस वो इलीगल काम करने वाला पर्सन था ऑप्शन बी लॉफुल वो बिल्कुल सही काम करता था ऐसा पर्सन था वो ऑप्शन सी गुड पर्सन बहुत अच्छा इंसान था ऑप्शन डी रूड रूड पर्सन था मतलब इम्पोलाइट था वो बिल्कुल प्यार से बात किसी से भी नहीं करता था सो so, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए लॉलेस ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज ग्रिफिन वॉज राधर अ लॉलेस पर्सन हालांकि ग्रिफिन एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन इसके बावजूद वो एक लॉलेस पर्सन था मतलब इलीगल काम करने वाला व्यक्ति था Question number 10 is, Griffin swallowed certain rare drugs and his body became as dash as a sheet of glass. Griffin ग्रिफिन ने एक रेयर ड्रग को स्वेलो कर लिया था मतलब खा लिया था और इसके बाद उसकी बॉडी कैसी हो गई थी मतलब वो एक शीट ऑफ ग्लास की तरह लग रही थी तो यहाँ पे आपको fill up डालना है ऑप्शन ए शाइनिंग वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो गई थी जैसे कि एक शीट ऑफ ग्लास होता है ऑप्शन बी थिन मतलब बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी हो गई थी उसकी बॉडी बिल्कुल ऑप्शन डी थिक बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट ग्रिफिन स्वेलोड सर्ट एन रेयर ड्रग्स इन हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास ग्रिफिन ने एक रेयर ड्रग को स्वेलो कर लिया था खा लिया था और उसके बाद उसकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई थी जैसे कि एक ग्लास की शीट होती है क्वेश्चन नंबर इलेवन इज ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी डैश ग्रिफिन एक ऐसी मेडिसिन का डिस्कवरी कर दिया था मतलब विष्कार कर दिया था जिसको खाने के बाद बॉडी क्या हो जाती थी ऑप्शन ए लार्ज बहुत बड़ी हो जाती थी ऑप्शन बी स्मॉल छोटी हो जाती थी ऑप्शन सी इनविजिबल अदृश्य हो जाती थी ऑप्शन डी ऑल मतलब ए बी सी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इनविजिबल ग्रिफिन एक ऐसी मेडिसिन की डिस्कवरी कर दी थी जिसको खाने के बाद बॉडी जो है वो इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो जाती थी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज वट सजेस्ट दैट ही वॉज अ होमलेस वॉन्ड्रर नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन हमें बताता है कि ग्रिफिन जो था वो एक होमलेस वॉन्ड्रर मतलब एक बेघर हुआ वॉन्ड्रर था वॉन्ड्रर कहते हैं भटकते हुए इंसान को ऑप्शन ए नो क्लोथ्स क्योंकि उसके पास कपड़े ही नहीं थे ऑप्शन बी नो मनी उसके पास पैसे भी नहीं थे ऑप्शन सी इनविजिबल वो अदृश्य हो चुका था ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव मतलब ए बी सी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ द अबव ग्रिफिन के पास ना तो कपड़े थे ना ही पैसे थे और अब वो इनविजिबल यानी अदृश्य भी हो गया था तो ये तीनों ही चीज़ें हमें बताती है कि ग्रिफिन जो है वो एक होमलेस वॉन्डर था नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज इट अ बैड टाइम टू वॉन्डर इन लंडन लंडन में इस समय इधर उधर घूमने के लिए एक ये बुरा टाइम क्यों था ऑप्शन ए इट वॉज मिड विंटर क्योंकि ये मिड विंटर चल रहा था मतलब बहुत ज्यादा ठंड थी लंडन में ऑप्शन बी ही वॉज विदाउट क्लोज क्योंकि ग्रिफिन जो था वो बिना कपड़ों के इधर उधर घूम रहा था ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है दी करेक्ट ऑप्शन इज सी बोथ ए एंड बी यहां पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है ग्रिफिन के लिए इस समय लंडन में इधर उधर घूमना इसलिए बुरा बताया गया है क्योंकि एक तो ये मिड विंटर था मतलब काफी ज्यादा ठंड थी और दूसरा ग्रिफिन के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन थे Where did he find comfort in London? यहाँ पे ही जो है यानी कि ग्रिफिन की बात हो रही है लंडन में ग्रिफिन ने कहा अपने लिए एक आराम की जगह ढूंढी अब यहाँ पे कम्फर्ट वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ग्रिफिन के पास कपड़े नहीं थे और बहुत ज्यादा ठंड थी लंडन में तो उसने अपने लिए इस हिसाब से कौन सी जगह चुनी थी ऑप्शन ए

नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रिफिन एट कोल्ड मीट एंड डैश फ्रॉम दी स्टोर तो ये एक फिलअप है ग्रिफिन जिस स्टोर में पहुंचा था वहां पे उसने अपने लिए कोल्ड मीट ले लिया था खाने के लिए और इसके साथ एक और चीज़ ली थी वो क्या थी ऑप्शन ए टी चाय ऑप्शन बी वाटर यानी पानी लिया था ऑप्शन सी कॉफी उसने अपने अपने आप को वार्म करने के लिए कॉफ़ी ली थी ऑप्शन डी कोको कोला उसने कोल्ड ड्रिंक ली थी So, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी कॉफी ग्रिफिन एट कोल्ड मीट एंड कॉफी फ्रॉम दिस स्टोर सो स्टोर में से ग्रिफिन ने सबसे पहले कोल्ड मीट लिया था ताकि वो अपनी भूख मिटा सके और इसके बाद अपने आप को वार्म करने के लिए क्योंकि लंदन में काफी ठंड थी उसने कॉफी ली थी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन थे वट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंडन स्टोर जब ग्रिफिन लंडन के एक बड़े से स्टोर में पहुंचता है तो वहां पर उसने क्या किया ऑप्शन ए ही वोर शूज़ उसने सबसे पहले शूज़ लिए और उन्हें पहना और यहाँ पर ऐड करने वाली बात यह है कि कोई भी सामान वो बाय नहीं कर रहा था खरीद नहीं रहा था स्टोर बंद हो चुका था जब उसने स्टोर में एंटर किया था और बेसिकली वो चीज़ें चोरी कर रहा था ऑप्शन बी ही वोर एन ओवर तो उसने एक ओवर पहन लिया था ऑप्शन सी ही एट कोल्ड मीट एंड स्वीट्स उसने कोल्ड मीट खाया था और साथ ही साथ स्वीट्स भी खाई थी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबर मतलब ए बी सी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ ग्रिफिन ने जब लंडन के बड़े से स्टोर में एंटर किया था तो उसके बाद उसने वहां से पहनने के लिए शूज लिए, उसने एक ओवर कोट लिया ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सके और इसके बाद उसने वहां पर कोल्ड मीट और स्वीट्स को खाया था क्वेश्चन नंबर ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ डैश ग्रिफिन जब लंदन के स्टोर में पहुंचता है तो सबसे पहले तो उसने अपने आप को वार्म करने के लिए कपड़े लिए फिर कुछ खाना खाया कॉफी पी और उसके बाद सोने के लिए उसने कौन सी जगह चुनी थी जहाँ पे वो आराम से सेटल हो सके ऑप्शन ए बेड ऑप्शन बी चेयर ऑप्शन सी अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स ऑप्शन डी टेबल तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स यानी कि उसने रजाई का एक ढेर ढूंढा जिसके ऊपर वो आराम से सो सके क्वेश्चन नंबर एटीन दस हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द असिस्टेंट्स ऑफ द स्टोर ग्रिफिन ने अपने आप को जो स्टोर के असिस्टेंट्स थे उनसे कैसे बचाया

अपने आप को ग्रिफिन एक शेड में छुपा लेता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी बाय रिमूविंग इज न्यूली वॉर्न क्लोथ हमें पता है कि ग्रिफिन ने ड्रग को स्वेलो कर लिया था और इसके बाद उसकी बॉडी जो है वो इनविजिबल हो जाती है अगर वो कपड़ों को रिमूव कर दे तो तो जैसे ही असिस्टेंट थे जो स्टोर के के वो ग्रिफिन को पकड़ने के लिए भागते हैं तो ग्रिफिन उनसे बचने के लिए क्या करता है वो एक एक करके अपने कपड़ों को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते वो इनविजिबल हो जाता है तो इस तरीके से उसने अपने आप को स्टोर के असिस्टेंट से बचा लिया था क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वेयर डिड ही गो नेक्स्ट इसके बाद ग्रिफिन कहाँ जाता है ऑप्शन ए एट एड इन वो एक धर्मशाला में जाता है ऑप्शन बी अ बिग स्टोर वो एक बड़े से स्टोर में जाता है ऑप्शन सी थिएटर स्टोर वो एक थिएटर स्टोर में जाता है जहा पे थिएटर का सामान मिलता है ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी थिएटर स्टोर ग्रिफिन लंडन के स्टोर से निकलने के बाद एक थिएटर स्टोर में जाता है जहां पर थिएटर का उसे कुछ सामान मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द थिएट्रिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड तो ये जो थिएट्रिकल कंपनी शॉप जिसपे अभी अभी ग्रिफिन ने एंटर किया था ये कहाँ पर सिचुएटेड थी ऑप्शन ए डेजी लेन ऑप्शन बी ड्रूरी लेन ऑप्शन सी दामोदर लेन ऑप्शन डी डॉक्टर लेन सो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ड्रूरी लेन थिएट्रिकल कंपनी शॉप जो थी वो ड्रूरी लेन में सिचुएटेड थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज वेयर डिड ही टेक फ्रॉम देयर तो जब ग्रिफिन थियेटिकल कंपनी शॉप में पहुंचता है तो वहां से उसने क्या लिया था ऑप्शन ए फूड खाना लिया उसने वहां से ऑप्शन बी वाइन ली ऑप्शन सी बैंडेजेस ली थी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब मतलब ए बी सी तीनों ही चीजें यहां पर करेक्ट है सो so यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी बैंडेजेस ग्रिफिन ने थियेटिकल कंपनी शॉप से कुछ बैंडेजेस ली थी ताकि वो अपने फेस को कवर कर सके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप तो ग्रिफिन जिस थिएट्रिकल शॉप में चला गया था तो वहाँ से वो कैसे बचकर निकला ऑप्शन ए बाय हिटिंग देम उसने जितने भी स्टोर के लोग थे उन्हें मारा ऑप्शन बी बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लोथ उसने सेम वही काम किया जैसा उसने पहले किया था उसने अपने जो क्लोथ थे उन्हें रिमूव कर दिया और इस तरीके से वो बच निकला ऑप्शन सी इज बाय रनिंग अवे एज फास्ट एज ही कुड जितना तेजी से वो भाग सकता था उतना तेजी से वो भागा और उनसे बच निकला ऑप्शन डी बाय हाइडिंग वो छुप गया था इस तरीके से वो उन लोगों से बच गया यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लोथ सो ग्रिफिन ने बचने के लिए क्या किया था उसने अपने कपड़ों को रिमूव करना शुरू कर दिया था क्योंकि ऐसा करने के बाद वो बिल्कुल अदृश्य हो जाता था नंबर ट्वेंटी थ्री इज होम डिड ग्रिफिन अटैक एंड रॉब ऑल दी मनी किस पर ग्रिफिन ने अटैक किया था और उसके बाद सारे पैसे जो थे वो चुरा लिए थे ऑप्शन ए द लैंड जो ग्रिफिन के लैंड थे उनके पैसे चुरा लिए थे और उनको मारा भी था ऑप्शन बी द असिस्टेंट ऑफ द स्टोर जो स्टोर के असिस्टेंट थे उन्हें मारा था ऑप्शन सी द ऑनर ऑफ द बिग लंडन स्टोर जो लंडन स्टोर के ऑनर थे यानी मालिक थे उन पर ग्रिफिन ने पहले अटैक किया और फिर उनसे पैसे चुरा लिए ऑप्शन डी द ऑनर ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी जो थिएट्रिकल कंपनी के ऑनर थे यानी मालिक थे उन पर पहले ग्रिफिन ने अटैक किया और फिर उनसे पैसे चुरा लिए यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी द ऑनर ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी तो ग्रिफिन ने सबसे पहले जो थिएट्रिकल कंपनी के ऑनर थे उन पर अटैक किया था और बाद में उन्हीं के पैसे चोरी किए थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ आफ्टर मेकिंग अ थेफ्ट इन अ शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी वेयर डिड ग्रिफिन डिसाइड टू गो थिएट्रिकल कंपनी में चोरी करने के बाद ग्रिफिन कहाँ जाने का डिसाइड करता है कि वो अब कहाँ जाएगा ऑप्शन ए इपिंग विलेज ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड सिटी ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंडन सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए इपिंग विलेज चोरी करने के बाद ग्रिफिन ये डिसाइड करता है कि अब वो इपिंग विलेज चला जाएगा ताकि अब कोई उसे लंडन में ढूंढ ना पाए और ना ही उसे पकड़ पाए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट इपिंग वेयर डिड ग्रिफिन स्टे जब ग्रिफिन इपिंग विलेज में पहुंच जाता है तो वहां पर वो कहाँ रुकता है ऑप्शन ए इज इन अ होटल वो एक होटल में रुकता है ऑप्शन बी इन एंड इन वो एक धर्मशाला या फिर जिसे सराय कहते हैं जहां पे ट्रैवलर रुकते हैं वहां पर वो स्टे करता है ऑप्शन सी इन अ चर्च वो चर्च में रुकता है ऑप्शन डी इन अ हट वो एक हट को चूज करता है रुकने के लिए सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी इन एंड इन ग्रिफिन जब इपिंग विलेज में पहुंचता है तो वहां वो ठहरने के लिए एक इन को चूज करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इज वट वॉज एन अनयूजुअल इवेंट क्या ऐसी घटना घटी थी जो बहुत देखने में विचित्र लग रही थी ऑप्शन ए अगेस्ट एट द इन ड्यूरिंग विंटर्स सर्दियों के समय कोई गेस्ट आकर इनमें रुका था ये बहुत ही विचित्र घटना थी यूजुअली ऐसा नहीं होता था ऑप्शन बी अगेस्ट एट दी इन ड्यूरिंग समर्स समर्स के समय कोई गेस्ट जो है वो इनमें आके रुका है ये एक अनयूजल इवेंट था ऑप्शन सी अ गेस्ट एट दी इन ड्यूरिंग स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन में गेस्ट आकर इनमें रुका है ऑप्शन डी नथिंग वॉज अनयूजल देयर कुछ भी वहाँ पे विचित्र घटना नहीं घटी थी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए अ गेस्ट एट दी इन ड्यूरिंग विंटर्स ग्रिफिन ने जो टाइम चूज किया था एपिंग विलेज में इनमें रुकने का वो विंटर का था और वहां के लोगों को बिल्कुल भी आदत नहीं थी उन्होंने नहीं देखा था कि विंटर के टाइम पे कोई गेस्ट आकर इनमें रुकता है इसलिए इस इवेंट को अनयूजअल इवेंट कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसेस हॉल वाज द डैश ऑफ द लैंडलॉर्ड तो ये फिलप है यहाँ पे कि मिसेस हॉल जो थी वो लैंडलॉर्ड की क्या लगती थी ऑप्शन ए मैनेजर ऑप्शन बी वाइफ ऑप्शन सी डॉटर ऑप्शन डी हाउसकीपर So, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी वाइफ मिसेज हॉल वॉज दी वाइफ ऑफ दी लैंडलॉर्ड तो एपिंग में जिस इन में ग्रिफिन स्टे कर रहा था वहां के जो लैंडलॉर्ड थे उनकी वाइफ का नाम मिसेज हॉल था नंबर ट्वेंटी एट इज हाउ डिड ही जस्टिफाई हिज डिस इंटरेस्ट इन हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद मिसेज हॉल ग्रिफिन ने मिसेज हॉल के साथ अपने बातचीत करने को लेके अपने डिस इंटरेस्ट को कैसे जस्टिफाई किया है मतलब उचित ठहराया है ऑप्शन ए डिजायर्ड सॉलिट्यूड ग्रिफिन ने मिसेज हॉल को बता दिया था कि उसकी इच्छा एकांतवास में रहने की है इसलिए उसे डिस्टर्ब ना किया जाए ऑप्शन बी डिडेंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग वर्क ग्रिफिन ने बताया था कि उसे काम के बीच में डिस्टर्ब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए उसे डिस्टर्ब ना किया जाए ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं यहाँ पर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी बोथ वन एंड टू यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं तो ग्रिफिन ने अपने आ, डिस इंटरेस्ट को लेके जो मिसेस हॉल के साथ बातचीत थी उसको जस्टिफाई करने के लिए वो कहता है कि सबसे पहली बात तो वो ईपिंग में आया ही इसलिए है क्योंकि उसे सॉलीट्यूड की डिजायर है मतलब वो अकेले रहना चाहता है एकांत में रहना चाहता है और सेकेंडली वो कहता है कि काम के बीच में कोई उसे डिस्टर्ब करे ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती इसलिए बातचीत करने के लिए मिसिज हॉल उसे बिल्कुल भी

करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एक्सेंट्रिक मिसेज हॉल के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट उनके यहां गेस्ट के आया था वो एक बहुत ही अनयूजल और अनकॉमन टाइप का व्यक्ति था क्वेश्चन नंबर थर्टी इज वट डू यू मीन बाय वर्ड एक्सेंट्रिक तो एक्सेंट्रिक वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग आपको यहां पे बताना है ऑप्शन ए अनकॉमन ऑप्शन बी एक्स्ट्रा ऑप्शन सी कॉमन ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब तो लास्ट क्वेश्चन में भी क्लियर हो गया था इसका मीनिंग तो so, जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है वो है ए अनकॉमन आप बोल सकते हो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी कॉमन ना हो जो दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल भी हरकतें ना करता हो अनयूजअल सा हो जिसको बेसिकली लोग सन की टाइप पर्सन समझते हैं नंबर थर्टी वन इज वट डज मिसिज हॉल फाइंड साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक मिसिज हॉल को साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक यानी कि अनयूजल क्यों लगता है ऑप्शन ए हे विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन क्योंकि साइंटिस्ट उस समय इपिंग विलेज में रहने आया है जबकि ऑफ सीजन है मतलब दूसरे लोग इस समय वहां रहने के लिए नहीं आते हैं ऑप्शन बी हिज इंटेंशन वाज ओनली टू वर्क उसने आते ही मिसेस हॉल को क्लियर कर लिया कि वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ काम करने आया है ऑप्शन सी हे लुक वेअर्ड वो थोड़ा सा अजीब दिखाई देता था ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव मतलब ए बी सी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि ए बी सी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है मिसेस हॉल को साइंटिस्ट इसलिए एक्सेंट्रिक यानी कि थोड़ा अनयूजअल लगता है क्योंकि सबसे पहली बात तो वो ऑफ सीजन में रहने के लिए इनमें आया है बाकी लोग जो है वो समर्स में आते हैं लेकिन ये इंसान जो है वो विंटर में आया है सेकेंडली उसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ काम करने का है वो बातचीत करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और थर्ड चीज़ जो मिसेज हॉल को सबसे ज़्यादा अजीब लगती है कि वो इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है अजीब सी वो हरकतें करता है और बिल्कुल अजीब है दिखने में भी तो यही सब कारण थे कि मिसेस हॉल साइंटिस्ट को एक्सेंट्रिक यानी कि अनयूजुअल पर्सन समझती थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज मिसेस हॉल प्रिपेयर्ड इन रेडी टू टॉलरेट स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेंपर मिसेस हॉल साइंटिस्ट की अजीब सी आदतों को और उसका जो इरिटेबल टेंपर था यानी कि चिड़चिड़ा स्वभाव था उसे टॉलररेट यानी सहन करने के लिए तैयार क्यों थी ऑप्शन ए ही हैड पेड इन एडवांस क्योंकि उसने मिसेज हॉल को जितना भी रेंट था वो सब एडवांस में पे कर दिया था ऑप्शन बी ही वो जो साइंटिस्ट क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था इसलिए मिसेज हॉल जो थी वो उसकी हर आदत को बर्दाश्त कर रही थी ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू मतलब ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ही हैड पेड इन एडवांस क्योंकि ग्रिफिन ने जितना भी रेंट था वो सभी एडवांस में पे कर दिया था और मिसेस हॉल जो थी वो एक मनी माइंडेड लेडी थी तो उन्हें पैसा मिल चुका था इसलिए मिसेस हॉल जो ग्रिफिन था उसकी इरिटेबल टेंपर को और जितनी भी उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स थी उनको टॉलरेट करने के लिए बिल्कुल रेडी थी नंबर थर्टी थ्री इज वट डी फर्स्ट इनकाउंटर अस अबाउट मिसिज हॉल मिसेस हॉल का जो फर्स्ट सीन है चैप्टर में ग्रिफिन के साथ वहां से हमें मिसेस हॉल के बारे में क्या पता चलता है ऑप्शन ए शी इज नॉट फ्रेंडली वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थी ऑप्शन बी शी इज मनी माइंडेड उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पैसों पर रहता था ऑप्शन सी शी इज डिस इंटरेस्टेड इन हर गेस्ट वो अपने गेस्ट के साथ बिल्कुल भी बातचीत करने में इंटरेस्ट शो नहीं करती थी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी शी इज़ मनी माइंडेड फर्स्ट एनकाउंटर जो उनका बताया गया है ग्रिफिन के साथ वहां से हमें पता चलता है कि उनका मेन फोकस जो था वो मनी पर रहता था उन्होंने पहले बिल्कुल भी ये नहीं देखा कि ग्रिफिन जो है वो एक अनयूजल सा पर्सन है या फिर वो क्या करने इन पर आया है विंटर्स के टाइम में तो उन्होंने सारा फोकस सिर्फ इस चीज़ पर रखा कि ग्रिफिन ने उन्हें सारा का सारा पैसा जो था वो एडवांस में पे कर दिया था नंबर थर्टी फोर इज व्हाट इज बीइंग रेफर टू एज स्ट्रेंज इंसिडेंट दैट हैपन इन दिस स्टडी क्लर्जीमैन के हाउस में जो स्टडी है वहां पर एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ था तो इसे क्या कहकर रेफर किया गया है या फिर क्या बताया गया है इसके बारे में ऑप्शन ए ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बींग इनविजिबल ग्रिफिन ने अदृश्य होके क्लर्जीमैन के हाउस की जो स्टडी है वहां से पैसे चुराए थे इसलिए इसे स्ट्रेंज इंसिडेंट कहा गया है क्योंकि लोगों को आश्चर्य था कि वो गायब कैसे हो गया ऑप्शन बी ग्रिफिन अराइविंग एट दी इन ड्यूरिंग ऑफ सीजन ग्रिफिन का इन में ऑफ सीजन में आना यूजुअली लोग वहां पे समर्स में आते थे लेकिन ग्रिफिन विंटर्स में आया था ऑप्शन सी ग्रिफिन प्रिटेंडिंग टू बी वेटिंग फॉर अ चेक ग्रिफिन ऐसा प्रिटेंड कर रहा था मतलब ऐसा दिखावा कर रहा था कि उसका एक चेक आने वाला है ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव कोई भी ऑप्शन यहां पर करेक्ट नहीं है यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बिंग इनविजिबल तो इस इंसिडेंट को स्ट्रेंज इंसिडेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि इपिंग विलेज के लोगों को नहीं पता था कि ग्रिफिन एक ऐसे ड्रग को डिस्कवर कर चुका है जिसको स्वेलो करने के बाद वो गायब हो चुका है तो जब इनविजिबल होकर उसने क्लर्जीमैन की स्टडी से पैसों को चुरा लिया तो लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज इंसिडेंट था नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रिफिन अगेन रॉब मनी फ्रॉम डैश ग्रिफिन ने दोबारा पैसे चोरी किए थे कहाँ से चोरी किए थे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो मैं रिमाइंड करा दूँ कि फर्स्ट टाइम जो ग्रिफिन ने पैसे चोरी किए थे वो थिएट्रिकल कंपनी स्टोर से चोरी किए थे वहाँ के ऑनर से उसने पैसे छीन लिए थे तो यहाँ पे फिलहाल पूछा जा रहा है कि सेकेंड टाइम पैसे कहाँ से चोरी किए ऑप्शन ए मिसेस हॉल उसने मिसेस हॉल से पैसे चुराए ऑप्शन बी अनदर शॉपकीपर उसने फिर से एक दुकानदार को लूटा ऑप्शन सी क्लर्जी मैन उसने क्लर्जी मैन के यहां से पैसे चुराए ऑप्शन डी बैंक उसने एक बैंक से पैसे चुराए तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ लिया है कि ग्रिफिन ने क्या किया इनविजिबल होके क्लर्जी मैन की स्टडी से पैसों को चोरी किया था क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इज हु द इंसिडेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर किसने इंसिडेंट को जो क्लर्जी के हाउस में चोरी हुई थी इस इंसिडेंट को एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर कहा था ऑप्शन ए क्लर्जी मैन ने क्लर्जी मैन किसको कहते हैं बेसिकली जो चर्च के फादर होते हैं पादरी होते हैं उनको क्लर्जी मैन कहते हैं ऑप्शन बी क्लर्जी मैनस वाइफ जो क्लर्जी मैन की वाइफ थी उन्होंने एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर कहा था ऑप्शन सी मिसेस हॉल ने कहा था ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव मतलब ए बी सी तीनों ही ऑप्शन जो हैं उन तीनों ने ही कहा था यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए क्लर्जी मैन जब क्लर्जी मैन के घर पे चोरी होती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाता है क्योंकि चोरी उस समय हुई जब वो दोनों मतलब उनकी वाइफ और क्लर्जी मैन वो दोनों ही घर पे मौजूद थे तब कैसे कोई उनके घर से आकर पैसे चोरी कर कर चला गया तो ये जो घटना थी इसको उन्होंने एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर कहा है नंबर थर्टी सेवन इज मिसेज हॉल गॉट सरप्राइज बाई सींग डोर ऑफ द डैश ओपन कहाँ के डोर खुले देखकर मिसेज हॉल सरप्राइज रह जाती हैं ऑप्शन ए ड्राइंग रूम के ऑप्शन बी बेडरूम के ऑप्शन सी गेस्ट रूम के ऑप्शन डी स्टडी रूम के यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी गेस्ट रूम के जब मिसेस हॉल देखती हैं कि गेस्ट रूम के दरवाजे खुले हुए हैं तो वो सरप्राइज रह जाती हैं क्योंकि यूजुअली ग्रिफिन कभी भी दरवाजे खुले नहीं छोड़ता था हमेशा ही डोर्स जो थे वो लॉक रहते थे तो आज जब ये दरवाजे मिसेज हॉल ने खुले देखे तो वो सरप्राइज रह गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लाइंग डैश फ्रॉम द बेड पोस्ट हिट मिसेज हॉल्स फेस तो यहां पे पूछा जा रहा है कि बेड पोस्ट पर से कौन सी चीज उड़ते हुए आई थी जो कि मिसेस हॉल्स के फेस से टकराई थी ऑप्शन ए बैंडेजेस ऑप्शन बी हैट ऑप्शन सी अम्ब्रेला ऑप्शन डी स्टिक सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी हैट द फ्लाइंग फ्रॉम द बेड पोस्ट हिट मिसेस हॉल्स फेस बेड पोस्ट कहते हैं बिस्तर के किनारे को तो वहां से एक हैट जो थी वो उड़ती हुई आई थी और मिसेज हॉल्स के फेस से आकर टकरा गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज

क्वेश्चन नंबर फोर्टी इज वट डू यू मीन बाय दी वर्ड हेस्टेरिक्स तो यहाँ पे आपको हेस्टेरिक्स का मीनिंग बताना है ऑप्शन ए एन एग्जेजरेटिव रिएक्शन इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा रिएक्शन आना ऑप्शन बी अन नॉर्मल रिएक्शन एक साधारण सा रिएक्शन आना ऑप्शन सी नो रिएक्शन कोई भी रिएक्शन का ना होना ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव मतलब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एन एग्जैजरेटेड रिएक्शन हेस्टेरिक्स का मतलब होता है एग्जैजरेटेड रिएक्शन मतलब कि बहुत बड़ा रिएक्शन आना क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इज वट डिट यू थिंक हैड हैपेंड टू हर फर्नीचर मिसेज हॉल को क्या लगता था कि उनके फर्नीचर को क्या हो गया है ऑप्शन ए नथिंग कुछ भी नहीं हुआ है ऑप्शन बी द साइंटिस्ट हैड पुट स्पिरिट्स इन देम मिसेस हॉल को लगता था कि साइंटिस्ट ने उनके फर्नीचर में आत्माओं को डाल दिया है इसलिए फर्नीचर जो है वो इधर से उधर हिल डुल रहा है ऑप्शन सी द साइंटिस्ट वॉज प्लेइंग विद देम मिसेज हॉल को लगता था कि जो ग्रिफिन है वो फर्नीचर के साथ खेल रहा है ऑप्शन डी द फर्नीचर हैड गॉन मैड मिसिज हॉल को लगता था कि फर्नीचर जो है वो पागल हो गया है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी द साइंटिस्ट एट पुट स्पिरिट्स इन देम मिसेस हॉल को लगता था कि उनका फर्नीचर जो अजीबोगरीब बिहेवियर कर रहा है उसका कारण ये है कि ग्रिफिन जो कि साइंटिस्ट है उसने फर्नीचर के अंदर बुरी आत्माओं को डाल दिया है जिसके कारण फर्नीचर ऐसा काम कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट कॉज द विलेजर्स टू सस्पेक्ट द साइंटिस्ट कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण जो विलेजर्स थे वो साइंटिस्ट पे सस्पेक्ट यानी कि शक कर रहे थे ऑप्शन ए द रॉबेरी जो क्लर्जीमैन के हाउस में चोरी की घटना हुई थी ऑप्शन बी द फर्नीचर इंसिडेंट जो मिसेज हॉल के घर में फर्नीचर वाली घटना हुई थी ऑप्शन सी अनएक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैश ऑन हिम ग्रिफिन के पास अचानक से कैश का उपलब्ध हो जाना जबकि पहले वो कह रहा था कि उसके पास कैश नहीं है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब मतलब तीनों ही यह ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑल ऑफ दी अबब ए बी सी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है तो वो जो कारण थे जिनके कारण विलेजर्स को ग्रिफिन पर शक हो रहा था वो ये थे कि सबसे पहले जो चोरी की घटना हुई थी क्लर्जी मैन के घर पे इसके बाद फर्नीचर वाला इंसिडेंट मिसेस हॉल के घर पर हुआ था और इसके बाद ग्रिफिन पहले मना कर रहा था कि उसके पास कैश नहीं है मिसेज हॉल को देने के लिए लेकिन बाद में अचानक से वो कहता है कि उसके पास कैश बिल्कुल रेडी है तो यही वो तीनों घटनाएं थी जिसके कारण विलेजर्स को साइंटिस्ट पर शक होता है नंबर इज द साइंटिस्ट साइंटिस्ट ऑलवेज डैश नाउ ही ही बिकेम फ्यूरियस हमेशा कैसा रहता था यह आपको बताना है लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस हो गया था फ्यूरियस कहते हैं वॉयिन को मतलब बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता था वो ऑप्शन ए पेशेंट मतलब बहुत ही ज्यादा धैर्यवान था ऑप्शन बी क्विक टेम्पर्ड बहुत ही जल्दी गुस्सा करने वाला था ऑप्शन सी काम बहुत ही ज्यादा शांत व्यक्ति था ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव मतलब कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है सो so, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्विक टेम्पर्ड द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड साइंटिस्ट हमेशा से ही क्विक टेम्पर्ड मतलब जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ऐसा व्यक्ति था नाउ ही बिकेम फ्यूरियस लेकिन अब वो फ्यूरियस हो गया था मतलब वॉयेंट हो गया था बहुत जल्दी वो आग बबूला होने लगता था नंबर मिस्टर मिस्टर जेफर्स जेफर्स कौन थे option A, the constable. वो एक constable थे ऑप्शन ऑप्शन ए वो बी विलेज हेड गांव के हेड थे ऑप्शन सी अनदर साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट थे ऑप्शन डी ऑनर ऑफ द अनदर इन वो दूसरी इनके मालिक थे सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए द कॉन्स्टेबल मिस्टर जैफर्स वॉज जेफर्स जो थे वो एक कॉन्स्टेबल थे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इज वट वॉज इजियर सेट देन डन क्या कहना आसान था लेकिन उसे करना बहुत मुश्किल था ऑप्शन ए टू सी हिम तो बेसिकली यहाँ पे बात उस इंसिडेंट की हो रही है जब ग्रिफिन जो है वो इनविजिबल हो जाता है और विलेजर्स और मिस्टर जेफर्स जो है उसको चेज करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर उसी इंसिडेंट की बात हो रही है ऑप्शन ए टू सी हिम ग्रिफिन को देखना मुश्किल था ऑप्शन बी टू टॉक टू हिम उससे बात करना मुश्किल था ऑप्शन सी टू होल्ड हिम उसे पकड़ना मुश्किल था ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टू होल्ड हिम यह कहना जितना आसान था कि ग्रिफिन को पकड़ लो पकड़ लो ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ग्रिफिन जो था वो इनविजिबल हो चुका था नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनली जेफर्स फेल टू कैच ग्रिफिन एज ही फाइनली लास्ट में जाके जेफर्स जो थे वो ग्रिफिन को पकड़ने में फेल हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए अवे क्योंकि ग्रिफिन भाग जाता है ऑप्शन बी प्रूवड हिज इनोसेंस क्योंकि वो अपनी इनोसेंस की वो बिल्कुल निर्दोष है वो ये साबित कर देता है ऑप्शन सी बिकेम इनविजिबल क्योंकि ग्रिफिन गायब हो जाता है ऑप्शन डी वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट क्योंकि ग्रिफिन एक ग्रेट साइंटिस्ट था इसलिए मिस्टर जेफर्स उसे पकड़ते ही नहीं है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बिकेम इनविजिबल जेफर्स जो है वो ग्रिफिन को पकड़ने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि ग्रिफिन जो था वो इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो गया था

ऑप्शन बी ग्रिफिन बिकेम मोर एंड मोर इन थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर ग्रिफिन क्या कर रहा था एक एक करके अपने सभी कपड़ों को रिमूव कर रहा था उन्हें फेंकता जा रहा था जिसके कारण वो धीरे धीरे बिल्कुल अदृश्य होता जा रहा था ऑप्शन सी एज मिस्टर जेफर्स वॉज ट्राइंग टू केच अ पर्सन हु वॉज नॉट विजिबल मिस्टर जेफर्स एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव मतलब यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ सो मिस्टर जेफर्स के सामने जो डिफिकल्टीज आ रही थी ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए इंसान को कर साथ साथ रिमूव कर करता जा रहा था जिसके बाद वो धीरे धीरे अदृश्य हो रहा था तो उसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि क्या हुआ था उस समय जब मिस्टर जेफर्स ने अपना लास्ट अटेम्प्ट किया किस चीज को लेके एक अनसिन साइंटिस्ट को पकड़ने को लेके यानी कि वो ग्रिफिन को जो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उसका जो उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट लिया उसमें क्या होता है ऑप्शन ए नॉट अनकॉन्शियस ग्रिफिन मिस्टर जेफर्स पर पीछे से अटैक करता है और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं मतलब मिस्टर जेफर्स जो है वो फेंट हो जाते हैं कॉन्शियस। ग्रिफिन पीछे से मिस्टर जेफर्स पर हमला करता है और वो कॉन्शियस ही रहते हैं मतलब मिस्टर जेफर्स जो है वो होश में ही रहते हैं ऑप्शन सी किल्ड। मिस्टर जेफर्स को मार दिया गया ऑप्शन डी गेव मिस्टर जेफर्स ने गेव अप कर दिया मतलब कि उन्होंने ग्रिफिन को पकड़ना बंद कर दिया तो पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए अनकॉन्शियस। सो मिस्टर जेफर्स जब अपना लेते को पकड़ने के लिए, जो कि दिखाई नहीं दे रहा था तो उन पर पीछे से अटैक करता और उसके बाद जो है, वो हो जाते है. 49 is, no किसी को भी ये पता नहीं चल रहा था समझ में नहीं आ रहा था कि कहां पर पकड़े और किसको पकड़े वज दिस इंडिकेट ये लाइन आपको क्या इंडिकेट करती है ऑप्शन ए ग्रिफिन वॉज कॉट ग्रिफिन पकड़ा जा चुका था ऑप्शन बी ग्रिफिन वॉज नॉट काउट ग्रिफिन को पकड़ा नहीं गया था ऑप्शन सी द अदर पीपल कुड सी ग्रिफिन एंड कॉट कॉटिन दूसरे लोगों ने ग्रिफिन को देख लिया था और उसे पकड़ भी लिया था ऑप्शन डी हॉल एंड क्लर्जी मैन वैच हॉल और क्लर्जी मैन ने मिलकर ग्रिफिन को पकड़ लिया था तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी ग्रिफिन वॉज नॉट कॉट ग्रिफिन को पकड़ा नहीं गया था यहाँ पे लाइन जो है उसमें लिखा गया है नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन किसी को भी नहीं पता था कि कहां पर पकड़े और किसको पकड़े तो दैट मीन्स ग्रिफिन जो है वो किसी की भी पकड़ में नहीं आया था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय ग्रिफिन सो ग्रिफिन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको लेके नीचे लिखी गई बातों में से कौन कौन सी करेक्ट है ऑप्शन ए द एक्सपेरिमेंट्स वर बेस्ड ऑन हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल सो एक्सपेरिमेंट का यही मेन uh, मकसद था कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडीज को इनविजिबल यानी कि अदृश्य किया जा सकता है ऑप्शन बी ग्रिफिन स्वेलोड सर्टेन ड्रग्स ग्रिफिन ने इस ड्रग को स्वेलो कर लिया था ऑप्शन सी ग्रिफिन बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास ग्रिफिन की बॉडी जो थी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई थी जैसे कि ग्लास की शीट होती है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव मतलब सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं सो दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव ग्रिफिन के एक्सपेरिमेंट को लेके ये तीनों ही जो ए बी सी आपके ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है एक्सपेरिमेंट इसी चीज़ पे बेस्ड था कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडीज को अदृश्य किया जा सकता है और ग्रिफिन ने ये ड्रग्स भी खा लिया था और इसके बाद ग्रिफिन की बॉडी जो थी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई थी जैसा शीशा होता है जैसे ग्लास की शीट होती है वैसा ही अदृश्य ग्रिफिन भी हो गया था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन इज आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एप्ली डिस्क्राइब्स ग्रिफिन तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो ग्रिफिन को बहुत उपयुक्त रूप से डिस्क्राइब करता हो और ये क्वेश्चन जो है वो आपके सैम्पल पेपर में भी आ चुका है तो मैंने इंक्लूड किया है ये वीडियो में चलिए ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए ग्रीडी येट काइंड ग्रिफिन जो था वो लालची था लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा काइंड भी था दयावान भी था ऑप्शन बी ब्रिलियंट बट लॉलेस हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि ग्रिफिन जो है वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है लेकिन इसके साथ ही साथ वो लॉलेस भी है ऑप्शन सी ऑनरेबल एंड ब्रिलियंट वो बहुत ही ज्यादा ऑनरेबल था मतलब जिसका लोग सम्मान करते थे और ब्रिलियंट तो वो था ही ऑप्शन डी सेल्फलेस एंड काइंड वो बिल्कुल सेल्फलेस था निस्वार्थ भावना से काम करता था और इसके साथ ही साथ वो काइंड भी था इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन ग्रिफिन को बिल्कुल एपली डिस्क्राइब करता है वो है बी ब्रिलियंट बट लॉलेस ग्रिफिन जो था वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन साथ ही साथ वो लॉलेस भी था ब्रिलियंट क्यों कहा गया है उसको क्योंकि उसने एक ऐसी ड्रग को इन्वेंट कर दिया था जिसको स्वेलो करने के बाद ह्यूमन बींग इनविजिबल हो सकते थे लेकिन लॉलेस क्यों कहा है क्योंकि उसने इस इन्वेंशन का जो मिस किया है उसी के कारण उसे लॉलेस कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डिड ग्रिफिन यूज इज डिस्कवरी फॉर एज इन चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर में क्या बताया गया है कि ग्रिफिन ने अपनी डिस्कवरी का जो उसने खोज की थी ड्रग की उसका इस्तेमाल कैसे किया था ऑप्शन ए टू थ्रेट एंड ट्रबल एंड बीट इनोसेंट पर्सन एंड रॉप डेम जो मासूम लोग होते हैं उन्हें डराना उन्हें दुख देना उन्हें मारना और उसके बाद उन्हीं का सामान चोरी कर लेना या फिर उनके पैसे चोरी कर लेना इस तरीके से उसने अपनी डिस्कवरी को यूज किया ऑप्शन बी टू मेक इलीगल एंट्रीज इन दी स्टोर स्टील इलीगल गैर कानूनी सामान चोरी करता था ऐसे उसने अपनी डिस्कवरी को यूज किया ऑप्शन सी टू कमिट बर्गलरीज दैट मीन उसने अपनी इन्वेंशन का यूज जो था वो चोरी करने के लिए किया था ऑप्शन डे इज ऑल ऑफ मतलब ए बी सी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ दी अबव मतलब ए बी सी तीनों ही ऑप्शन यहां पे करेक्ट है सो so ग्रिफिन ने अपनी डिस्कवरी का यूज जिस तरीके से किया था तो उसे यूज नहीं उसे ही कहेंगे हम क्योंकि उसने क्या किया था जो इनोसेंट लोग होते हैं उन्हें थ्रेटन किया उन्हें मारा फिर उनका पैसा चोरी किया इसके साथ ही साथ शॉप्स में स्टोर्स में गैरकानूनी तरीके से एंट्री की फिर वहां से सामान चोरी किया और इसके साथ ही साथ उसने लोगों के घरों में चोरी तक की थी जैसा कि उसने क्लर्जीमैन uh, के हाउस से जो स्टडी है वहां से पैसा चोरी किया था तो इस तरीके से हम सकते हैं कि ग्रिफिन ने अपनी डिस्कवरी को यूज नहीं किया था बल्कि उसने उसका किया था। Question number 53 is, who was Griffin? Griffin कौन था? कौन तो पूरे आपने देख लिए पर, अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ग्रिफिन कौन था ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन बी क्लर्जीमैन ऑप्शन सी शॉपकीपर ऑप्शन डी लैंडलॉर्ड सो ऑप्शन ए साइंटिस्ट ग्रिफिन कौन था एक साइंटिस्ट था थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो और एनी अदर टॉपिक देन प्लीज लेटर्स रो थ्रू द कॉमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल देन ब बाय एंड टेक केयर